19 तारीख क्या इंग्लिश में बोलना 19 मार्च 1972 हम गए थे आबू में रजनीश के शिविर में, तो उसमें से वो लेडीज म्यूजियम मिल गई, तो उन्होंने माताजी का एड्रेस वगैरह लिख दिया ना, तो वो ऐसी बात करते बात कि आपका वो सब अंदर थे ना, कूदते थे नाचते, तो मैं बाजू में खड़ी था, आप कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट, मैंने बोला मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको एक एड्रेस बताऊँ, एक निर्मला श्रीवास्तव करके है बॉम्बे में, तो उन्होंने किसके पास से कागज दिया, किसके पास से पेंसिल, मेरे को एड्रेस लिख दिया जीवन ज्योत का। फिर वो सब कर मैं तो गई अंबाजी, फिर अंबाजी गए तो हम तो अंबाजी में रहते थे 4-5 दिन, फिर अंदर मंदिर में जब पूजा करते थे वगैरह, तो माता अंबाजी माँ को प्रार्थना करी, बोला माँ ये जगह में जाओ, तो माता जी ने जैसे बोला कि मेरा ही वो स्वरूप है, मैं ही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर ही माता जी का घर था, पर हम सेकंड फ्लोर पर चढ़ गए, तो मैं उतरती थी, माता जी ने दरवाजा खोला और बाहर आके बोले आप मेरे को ढूंढ रही हो। मैं नीचे आई तो मैं माता जी ने मेरे को ऐसा हाथ लगा के अंदर ले गई, ऐसे कोट पर बैठाया, फिर वो चिट्ठी माता जी को बताई, तो बहुत अच्छा है बोले, फिर मेरे को यहाँ देखे कि ठीक है तुम्हारा सब अच्छा है, पर मैं अभी चालू नहीं किया है सर, जो मेरे को करना है, बोले मेरी लड़की को अभी 9वां महीना है, उसको डिलीवरी हो जाएंगी, वो 1.25 महीना के बाद मैं ये चालू करूँगी। तो फिर वो आराधना की डिलीवरी हुई ना कल्पना की, बाद में 1.25 महीना के बाद ये जनवरी महीना में माता जी ने शिविर लिया था बोर्डी में, फिर वहाँ बुलाया, वो मेरे को लेटर आया तो मैं आ गई, तो जहाँ माता जी बैठती थी, माता जी हम दूर से बैठते थे, तो सब लोग बोले ऊपर चलो, मैं पीछे पीछे बोले चलो नहीं बोलेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो पीछे पीछे गई ऊपर, पहले वो जवेरी को दिया वाइब्रेशन, ऐसे ऊपर चढ़ाती थी, ऐसे सब करके जागृति, फिर उन्होंने बोला ये उनको भी दो, थोड़े थोड़े वाइब्रेशन नहीं आता था, मालूम होता था, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा लगा अंदर से। अच्छा। फिर वो चंदू भाई जो वो लोग भी ऐसे ऐसे देखते थे करते थे, बोले हो गए ऐसे। When I started raising their kundalini, first only 2 people got it. Gradually, then so many people got this. So they said, we too want to have this within us. So can you give us? I said, I'll try. I don't know. So we thought we should go into a place which is away from the city. So we were about 25 people. I think 6 or 7 people got their realization. So they told us that we are feeling the cool breeze in our hand and also the cool breeze coming out of Fontanel Bone area. So I said, that's it. Now you have to grow in it. You have to watch with a witness state, you should find out what has happened to you. I must say those days people were very, very genuine. They wanted. It was not just a stunt. And so, altogether out of 25, 21 got this.